इज्जतनाम अध्यक्षा जी, आपने मुझे सैलाब के कहर से प्रभावित लोगों के दर्द और उनकी ज़रूरतों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय उत्तरी और पूर्वी बिहार के ज़िलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा और दरभंगा में बड़ी नदियाँ वहाँ की, जैसे महानंदा, मेची, डोक, बकरा, कनकई, परवान, कोसी और गंगा आदि नदियों में आई बाढ़ से उन 8 ज़िलों के 43 प्रखंडों की 443 पंचायतों में 1448 गांवों की लगभग 17 लाख आबादी प्रभावित हुई है और 50 लाख हेक्टेयर ज़मीन में खरीफ फसलें तबाह व बर्बाद हो गई है। विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र किशनगंज में बाढ़ प्रभावितों की हालत बहुत दर्दनाक और भयावह बनी हुई है। आम लोगों का घर, मकान, सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया है। सड़कें, पुल और बांध टूटकर बह गए हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर यहाँ की लाइफ लाइन कही जाने वाली किशनगंज बहादुरगंज सड़क में मौजूद महानंदा पुल और NH 327E में पवाखाली के नज़दीक बिरबिट्टा का एक बड़ा पुल का वजूद खतरे में है। माननीय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता उपलब्ध कराते हुए बाढ़ प्रभावितों को पुनर्वास, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत, संकट में घिरे हुए लोगों के स्थान पर, खास पुलों के स्थान पर, खासकर महानंदा पुल किशनगंज का विकल्प बनाया जाए और क्षेत्र में बहने वाले नदियों के किनारे तटबंध का निर्माण किया जाए, विशेष रूप से महानंदा।